आज हम द ह्यूमन बॉडी का पार्ट टू की रीडिंग करेंगे। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 4। बच्चों आपको पता है जानदार क्या होता है? राइज योर हैंड। जी वेरी गुड। जानदार उसे कहते हैं जो बढ़ता है, हलता फुलता है और सांस लेता है। ठीक है, ये वो है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, हम जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो किस कौन कौन सी हैं जो बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं और सांस लेती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। इंसान, पौधे और जानवर तमाम जानदार चीज़ें हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। तमाम जानदार चीज़ों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। तमाम जानदारों को खुराक और पानी की ज़रूरत रहती है जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। डिस्कस एंड आंसर, हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर। अब कौन कौन सी है जो हैं उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो जानदार हैं। इसमें देखें जो बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं, आपको पता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें बॉयज़, ये बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, ये जानदार हैं। इधर डॉग जो हैं ये जानदार हैं। ट्रीज़ हैं ये भी जानदार हैं। प्लांट्स, पौधे जो हैं, ठीक है, ये भी जानदार हैं। इन वाटर पूल, डक्स जो हैं ये जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ऑन अ बाइसाइकल, बॉय जो है वो जानदार है और बाइसाइकल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी बेजान है। इसके बाद कैट है ये, और ये प्लांट्स जो हैं, फ्लावर्स जो हैं, ये सब जानदार होते हैं। नाउ ग्रोइंग अप, वो कैसे बढ़ते हैं, किस तरह पहले होते हैं और फिर कैसे जाते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ग्रोइंग अप, बढ़ते हुए। ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, सिर्फ जानदार चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे कि आपको पता है सिर्फ जानदार चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास एक बुक है, जिस तरह आपने ली है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। आप इधर देखें, आपके व्हाइट बोर्ड लगा है क्लास में, चेयर पड़ी हुई हैं, डेस्क हैं, जिस हालत में आपने इसको लिया है वो वैसे की वैसे ही बेजान रहेंगी। जहाँ आप इसको रख देंगे वहीं पर ये पड़ी रहेगी। जब उठाएंगे, खुद से आप उठाएंगे, ठीक है, ये खुद से हरकत नहीं करेगी, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और अब ठीक है, और ये बढ़ती नहीं है, जिस साइज़ में आप लेंगे वो वैसे ही रहेंगी। अ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वुमन, ठीक है, जो एक छोटी बच्ची है वो बड़ी होकर एक औरत बन जाती है। देखिए ना, छोटी सी जब बच्ची, न्यू बॉर्न बेबी होती है, जो छोटी सी जब पैदा होती है तो बिल्कुल छोटी सी होती है, फिर आस्ता आस्ता बढ़ते हुए वो एक औरत यानी वुमन बन जाती है। नेक्स्ट, आ बेबी बॉय, जिस तरह एक छोटा सा बच्चा है वो बड़ा होकर ग्रोज अप टू बी अ मैन, बड़ा होकर वो एक आदमी बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई ना कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जानदार हैं और बेजान हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ग्रो, पौधे और जानवर भी बढ़ते हैं। आल्सो ग्रो, ग्रो मीन बढ़ना होता है, ठीक है। प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर भी बढ़ते हैं। टीनी प्लांट, छोटे जो पौधे होते हैं, ग्रो इंटू लार्ज, जो बड़े में तब्दील हो जाते हैं, बड़े पौधों में तब्दील हो जाते हैं, और ट्रीज और दरख्तों में। बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम एडल्ट एनिमल्स, जो छोटे जो जानवर होते हैं, जैसे जो जब छोटा सा जानदार हो जाता है, पैदा होता है, जैसे काऊ का काफ होता है, वो छोटा सा होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो कैसे काऊ बन जाता है, इसी तरह ये भी बड़ा हो जाता है। व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, ठीक है, समझा, जिनके जानदार चीज़ों को खुराक की क्यों ज़रूरत होती है, ये आपने एक ना, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, जानदार चीज़ों को खुराक की क्यों ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, तमाम जानदार चीज़ें, लिविंग जानदार, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, लाइक जैसा कि प्लांट, पौधे, एनिमल्स, जानवर एंड ह्यूमन बींग्स और इंसान, नीड फूड टू स्टे अलाइव, को खुराक की ज़रूरत होती है स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, फूड हमारी मदद करता है बढ़ने में। इट गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी मीन ताकत, ठीक है, गिव्स देना, वो हमें ताकत देता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो पौधे हैं, इंसान तो अपनी खुराक होते हैं, जैसे खाना पका के खा लिया, ठीक है, कोई फ्रूट है खुद से उठा तोड़ा और खा लिया, लेकिन जो पौधे हैं वो अपनी जगह पर ही रहकर अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जिस तरह आपने उसको
बीज बो देते हैं, एक तो पानी वगैरह आप देते हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी से कुदरती मिल जाती है, लेकिन उसके लिए वो एक ज़मीन के से खुद ही अपनी खुराक भी लेता है, ठीक है। जो है फर्टिलाइजर्स जो हैं वो जो ज़रूरी होते हैं उनके लिए, वो ज़मीन से वो खुद ही, जब उसको पानी की मतलब ज़मीन से वो पानी भी खुद ही जज़ब कर लेता है, ठीक है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जो जानवर हैं वो क्या कहते तो पौधे खाते हैं, प्लांट्स मीन पौधे। सम एनिमल्स, कुछ जानवर ईट प्लांट्स, पौधे खाते हैं, ठीक है। एज लाइक जैसे गॉट है, शीप है, बेफलोज हैं, ठीक है, जे यानी पौधे खाते हैं, यानी जे चारा खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइन है वो गॉट को, ठीक है, डियर वगैरह को ये उनको खाता है, ठीक है, और ये डॉग है, कैट है, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो ह्यूमन इंसान जो हैं वो अपनी खुराक जानवर और पौधों दोनों से ही हासिल करते हैं। अब पौधों से हासिल होने वाली उनकी खुराक है जो जैसे है एप्पल है, स्पिनच है, टमाटोज हैं, कैरेट है, ये उनको पौधों से हासिल होती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जानवरों से क्या हासिल करता है उसका है, वो चिकन है, मटन है, बीफ है, ये जानवरों से वो हासिल करता है, देखें ये उसको जानवरों से हासिल होती हैं। उसके अलावा मिल्क है, ठीक है, वो भी आप जानवरों से हासिल करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आज ये हमारा लेसन जो है वो एंड हो गया, चाहे इसका है आपको कौन कौन सी बच्चों पसंद है, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, खुराक में खाने में कौन कौन चीज़ें पसंद है, ठीक। मेक अ लिस्ट ऑफ गुड यूजुअली ईट एट होम, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड्स यू यूजुअली ईट एट होम, ये आपने उसको देखना है और लिस्ट बना ली है, ठीक है, वेरी गुड। और ये भी बताना है कि वह कौन सी जो है वो उनके दो अलग बनाएं, उनके ग्रुप बनाएं, जैसे ये ग्रुप बने हुए हैं, आपने वो भी बताना है कि आपको कौन सी जानवरों से हासिल होने वाली खुराक पसंद है और कौन सी पौधों से हासिल होने वाली खुराक, ठीक है। ये अपने इसको रिवाइज करना है उसके अच्छे से, ठीक है, उसके वर्ड्स मीनिंग याद करें जो मैंने ऊपर लिखते हुए हैं। नेक्स्ट, अब इसकी हम एक्सरसाइज हल करेंगे। Choose the correct answer. Which part of the body do you use to hold a pencil? जी, और जिसम का वो कौन सा हिस्सा है जिससे हम पेंसिल पकड़ते हैं? इसके चार ऑप्शन है, फिंगर है, टोज है, नेल्स आ एल्बो है, और एल्बो है। तो आपने उसको जो आप जी किससे करते हैं, आपने वो उसको बताना है जी, किसे फिंगर से हम किसे पेंसिल पकड़ते हैं, फिंगर से, ठीक है। राइट हम हैंड से करते हैं और फिंगर से पेंसिल को पकड़ते हैं। व्हाट डज आ किटन ग्रो इनटू, जी किटन कहते हैं जो है वो कैट की जो छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। आपने बताना है वो बड़ा होकर क्या बनता है किटन जो है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फोर ऑप्शन है इसके, बॉय है, गर्ल है, डॉग है और कैट है। तो इसको कैट किटन जो है वो कैट में जी वो कैट बड़े होकर इनटू कैट में हो गया, ठीक है, ग्रोस इनटू अ कैट। हाउ मेनी थंब डू ह्यूमन हैव, ठीक है, कितने अंगूठे होते हैं? तो आपने बताना है 1 2 3 4 कितने होते हैं आपके थंब काउंट करें तो जी 2 जी वेरी गुड, ये 2 थंब्स होते हैं। उसके बाद विच ऑफ दीज इज़ अ लिविंग थिंग, इसमें से आपने बताना है कौन सी जो जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग यानी जानदार चीज़ें हैं। उसके बारे में आपने बताना है जी, फर्स्ट है बाइसिकल, सेकंड हैट, क्रो और पेंसिल। आपने कौन सी पहले दिखाए हैं, आपने लिखना है बाइसिकल है नॉन लिविंग है, हैट नॉन लिविंग है, पेंसिल नॉन लिविंग यानी बेजान है, देयर इज अ क्रो जो है वो क्या है लिविंग थिंग, इस पर आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, आपने देखना है कि वो जिस्म का जो है इनमें से जो इंसानी जिस्म का हिस्सा नहीं है वो, यानी इंसान के जिस्म का वो हिस्सा नहीं है। ये फोर ऑप्शन इधर हैड है, नेक है, टेल है और बैक है। हेड भी इंसानी जिस्म का हिस्सा है, आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी याद किए हैं ना,
नेक भी और बैक, बैक यानी कमर भी, लेकिन ये टेल आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये टेल जो है वो एनिमल्स की होती है, इंसान की नहीं होती, ठीक है। तो आप इस पे सर्कल करेंगे टेल पे। अब नेक्स्ट हमारा है मार्क दी सेंटेंसेस विथ टिक और क्रॉस। आपने जो जो सेंटेंसेस हैं आपने बताना है जे जे ट्रू हैं, जो फॉल्स हैं, यानी सही हैं या गलत हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज बेबीज, ठीक है। जो ह्यूमन इंसान जो हैं वो अपनी लाइफ जो बेबी से शुरू करते हैं, यानी जो पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। यस इट्स ट्रू। तो हम इधर इसको ये देखें इधर टिक करेंगे। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, तमाम जानदारों को हवा की ज़रूरत होती है। यस इसका भी हम यस टिक करेंगे। नेक्स्ट है ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम, तमाम बच्चे वो कहते हैं एक जैसे होते हैं। क्या तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं? नो नो। देखें हेयर देयर इज सम चिल्ड्रन, देख आप सब में किसी के ब्लैक हेयर हैं, किसी के ब्राउन हैं, ठीक है, किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, इसलिए ये इधर हम इधर क्रॉस लगाएंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको गलत लगाएंगे। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो, कहते पौधों को खुराक की ज़रूरत नहीं होती, क्या ये ठीक है? जी ये ठीक नहीं है, क्योंकि पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए हवा पानी और खुराक की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये भी आप इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, इंसान पौधे और जानवर बढ़ते हैं। बच्चों बताएं ये ठीक है कि गलत है? ये ठीक है, बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंसान पौधे और जानवर बढ़ते हैं, ठीक है। इंसान छोटे बच्चे से बड़ा होकर बड़ा, जन छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा हो जाता है, इसी तरह पौधे भी पहले छोटे से होते हैं, ज़मीन से निकलते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। इट्स राइट, ये ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे, टिक द लिविंग थिंग्स क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स। आपने जो जानदार चीज़ें हैं उस पर आपने टिक यानी सही का निशान लगाना है, और जो नॉन लिविंग है उन पर आपने क्रॉस लगाने हैं, ठीक है। आपने जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा है कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या हैं, वो लिविंग थिंग है, इसलिए आप प्लांट्स, प्लांट्स में आप देखें ये प्लांट लिविंग थिंग, कैट, ये टर्टल्स और ये आंट, ये हैं लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये और ये, ठीक है, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्कल द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज बिगन यूज फॉर ईच एक्शन। ये आपने देखें एक्शन के लिए यूज़ कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें बॉय जो है वो किस से हिस्से को यूज़ करके वो काम कर रहा है, हेयर इज, वो देखें हैंड को यूज़ करके अपना काम कर रहा है, तो आप हैंड को सर्कल करेंगे। उसके बाद कौन से एक्शन से वो काम कर रहा है, जो बॉयज़ जो है ये देखें, दो ऑप्शन आइज़ एंड ईयर्स, कौन सा ये ईयर्स को यूज़ कर रहा है, तो हम इधर ईयर को सर्कल करेंगे। देर इज़ अ मैन, आइज़ और ईयर्स दोनों को यूज़ कर रहा है, दोनों को यूज़ कर रहे हैं नहीं, देखें ये सिर्फ आइज़ को यूज़ कर रहा है, आँखों से देख रहा है। उसके बाद ये गर्ल है, देखें वो किससे स्मेल कर रहा है, नोज से या माउथ से, ये नोज से हम स्मेल करते हैं। ये बॉयज़ जो है वो बैठा है, ये नोज से ज़मीन पर लगे हुए हैं, जिसके नीज़ यानी घुटने, तो ये नीज़ इसने लगाए हुए हैं। उसके बाद जो है वो लेग्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, बाइसाइकिल के चलाने में। उसके बाद ये जो गर्ल है ईटिंग समथिंग, और इसको वो देखें माउथ को यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपकी ये एक्सरसाइज। उसके बाद आपने, ठीक है, आपका नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग कॉपी वर्क आपका जो है, आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी ये हैं ईयर आइज नोज लिप्स हैंड फुट, ये अपने अपने कॉपी पे राइट करने हैं, ठीक है, और इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट अबाउट यूनिट आपके आंसर क्वेश्चन हैं, आपने उसको वो लिखने हैं और याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
हु आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसान कौन है, ठीक है, उसमें है बॉय गर्ल एंड बेबीज, ये हैं इंसान हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, आपने आंसर करना है आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। ज़रूरी नहीं आप 6 करें, अगर आप 7 के हैं तो आप 7 ईयर्स ओल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये अपने अपना काम नोटबुक पे मैं लिखना है, ठीक है, और इसको याद भी करना है।